हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं, कर्मचारी चयन आयोग ने तोड़ी आचार संहिता, सरकारी भर्तियों की घोषणा, 2024 के कैलेंडर जारी, 4 एंट्रेंस टेस्ट, 5 भर्ती परीक्षाओं की संभावित तारीख बताई। पूरी अपडेट हम देखते हैं दोस्तों। तो कर्मचारी चयन आयोग ESB के 3 महीने तक समय नहीं मिला, लेकिन जब लोकसभा चुनाव आचार संहिता लग गई तो साल 2024 की भर्ती कैलेंडर जारी कर दिया। इसमें 4 तो एंट्रेंस टेस्ट हैं और जो शैक्षणिक सत्र के हिसाब से करवाए जाना जरूरी है, लेकिन 5 भर्ती परीक्षाएं जिनके लिए संभावित तारीख बताई गई है। हालांकि आचार संहिता के दौरान किसी तरह की भर्ती की घोषणा भी नहीं की जा सकती। चुनाव आचार संहिता के दौरान ऐसी योजना या काम की घोषणा नहीं की जा सकती जो सरकार के जरिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं को लुभाने वाली हो। इसमें सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया भी शामिल है। लोकसभा चुनाव के चलते 16 मार्च से आचार संहिता प्रभावशील है। इसके बाद भी ESB ने 6 अप्रैल को अपनी भर्ती कैलेंडर जारी कर दिया। इस आचार संहिता के दौरान ऐसी किसी भी भर्ती परीक्षा की घोषणा किए जाना भी राजनीतिक दल के फायदा पहुंचाने वाला माना जाता है। ये आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। इधर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा प्रक्रिया पर लगाई रोक। ESB ने आचार संहिता लगने से पहले जिस परीक्षा का रिजल्ट जारी किया था, वहीं पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, हालांकि इसके बाद आगे की पूरी प्रक्रिया रोक दी गई है। यहां तक कि शारीरिक दक्षता की तारीख भी घोषणा नहीं की गई है, जबकि इसका रिजल्ट 7 मार्च को जारी किया गया था। ESB ने एक अधिकारी के मुताबिक चूंकि आचार संहिता लग गई थी, इसलिए आगे की तारीख का ऐलान नहीं किया गया। अब यह चुनाव के बाद ही तय होगा और तभी इनकी घोषणा की जाएगी। वहीं ESB के डायरेक्टर कहना है कि किसी तरह का उल्लंघन नहीं है। ये कैलेंडर उन परीक्षाओं के लिए है जो चुनाव आयोग की छूट के दायरे में है। दोस्तों, कुल मिलाकर ये है कि जो कर्मचारी चयन मंडल है उसे पहले ही कैलेंडर घोषित कर देना चाहिए था। जब आचार संहिता लगी वहाँ का वेट क्यों किया गया, ये भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह अपने आप में लगाता है। ये वीडियो एक सही था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद।